शेम ऑन यू वीरेंद्र सहवाग, जितने बड़े तुम बल्लेबाज थे उतने ही छोटे तुम इंसान हो, और ये तुम रोज प्रूव करते हो। अब रिटायरमेंट के बाद तुम सिर्फ सोशल मीडिया और ट्विटर पे ट्रोलर बन के रह गए हो। शोएब अख्तर ने सही कहा था तुम्हारे बारे में, जितने तुम्हारे सर पे बाल नहीं है उससे ज्यादा उसके पास माल था, और तुम पाकिस्तानी ट्रोलर्स के साथ उलझते रहते हो। मतलब क्या हो तुम, पाकिस्तान की बेइज्जती करते रहते हो। कल तुमने लगा दिया बाय बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदा भाग, हैव अ सेफ फ्लाइट। ये करने वाली बात है? पाकिस्तान एलिमिनेट हुआ है वर्ल्ड कप से, और यार हो भी जाता तो तुम फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर हो, इतने तुम्हारे रिकॉर्ड्स हैं, तुम्हारा तुम्हें जेब देते हैं, तुम्हें शोभा देते हैं इस तरह की ट्वीट करना बाय बाय पाकिस्तान। प्रूव क्या करना चाहते हो? क्या स्टार के साथ, हॉट स्टार के साथ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए? क्या आईपीएल में कमेंट्री चाहिए तुम्हें? या क्या जियो सिनेमा पे अंबानीज वाले तुम्हें रख ले, गिग दे दे, तुम्हें प्रेजेंटर बनना चाहते हो आईपीएल में? करना क्या चाहते हो? क्या लॉयल्टी प्रूव करके मिलेगा तुम्हें? जितने ये इंडिया के ये इरफान पठान भी इसी में शामिल है, और आकाश चोपड़ा, अभी तो मैं आकाश चोपड़ा आपकी बात करूंगा, इतने बड़े तो आप प्लेयर भी नहीं थे, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता था आपके व्यूज की, आपका चैनल तो चलता ही पाकिस्तानी की वजह से है, पीएसएल में भरपूर आप पाकिस्तान का कॉन्टेंट कवर करते हो, और आपने भी वही शुरू कर दिया। ना फ्यूल, ना लेमिनेशन, ना पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान से, ना पीआईए उड़ रही है पाकिस्तान में। यार ये अभी करने की बात है? रोज आप भी चार चार पांच पांच फॉलोअर्स वाले अकाउंट के साथ उलझ रहे होते हो, रोज उनको रिप्लाई कर रहे हो, और फिर आप हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज कोई फेक न्यूज है, कोई सोर्स नहीं है, फिर भी आप लगे वो लगाने। यार कर क्या रहे हो? आप थे तो इंडिया के क्रिकेटर ना, आपका बनता है ये पोस्ट करना कि पीआईए के पास फ्यूल खत्म हो गया है, तो आप टॉन्ट करो, प्रोवोक करो पाकिस्तानी ऑडियंस को, क्या मिल जाएगा? आपको भी जियो के सिनेमा से कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आईपीएल में कमेंट्री चाहिए, क्या चाहिए क्या यार आपको आकाशी? क्या यूट्यूब सही नहीं चल रहा आपका? और ये वीरेंद्र सहवाग करते क्या हो पाकिस्तानी को प्रोवोक करना? लोन लेता है पाकिस्तान तो क्या इसी लोन लेने वाले मुल्क से? तुम 34 साड़ियां मुफ्त लेके गए थे 2004 के टूर पे, तुम्हारी बुआ जी, तुम्हारी धर्म पत्नी, तुम्हारी माताश्री, सबके लिए पाकिस्तान ने 34 साड़ियां भिजवाई थी लाहौर से, और 1 रुपया नहीं लिया था तुमसे, तो लोन लेने वाले मुल्क से फ्री में साड़ियां क्यों लेके गए थे? अगर गैरत होती तो पैसे देते उस वक्त, या आप ये ट्वीट ना करते? यार कुछ खुदा का, ऊपर वाले का खौफ करो, तुम्हें खौफ नहीं है, तुम क्रिकेटर से ट्रोलर बन गए हो, क्लाउन बन गए हो, जोकर बन गए हो, यही रह गया है? या एड रेवेन्यू मोनेटाइजेशन से कोई $10 कमाते हो रोज का? क्या यही रोजगार है? इसी तरह चल रहे घर समय से बाहर है यार। सहवाग, आकाश चोपड़ा, इरफान पठान, आप लोगों को हो क्या गया है यार? मतलब ट्रोलर्स बन के ट्रोलर्स की तरह लड़ रहे हो, जैसे माइकल वॉन लगा हुए हफीज के साथ, वही आप काम कर रहे हो जो वसीम जाफर कर रहा था। आपके रिटायरमेंट के बाद यही जिंदगी रह गई है यार। आप लोग कभी सचिन और कोहली बन नहीं सकते, क्योंकि वो बड़े बल्लेबाज के साथ बड़े इंसान थे, इसलिए ना पठान, ना सहवाग, ना आकाश चोपड़ा कभी सचिन बनेगा, कभी विराट बनेगा, और ना ही बना है पहले। ना ही आप प्लेयर उतने बड़े थे, ना ही आप इंसान उतने बड़े हो। कमेंट करो पाकिस्तानियों, इंडियंस आप भी करो, वीडियो शेयर करो। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो वीडियो शेयर करके मुझे बताएं, और इस पर मुझे कमेंट करके बताएं। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तब भी कमेंट करें और वीडियो शेयर करें आप, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा।